जनपद हमीरपुर के कस्बा मौदाहा ग्राम परिषद इस वक्त की खबर। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ टीम ने परछा को हराया। परछा हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परछा में आयोजित दो दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हसन सिद्दीकी बाना ने पिता काट कर किया शुभारम्भ। इस दौरान लगभग 6 टीमों के खिलाड़ियों सहित आम जन मौजूद रहे। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परछा में आयोजित किए जा रहे दो मैचों में रेफरी की भूमिका सईद खान, सद्दाम हुसैन, साबिर खान और श्री किशन ने अदा की। तो मैचों में आंखों देखा हाल पौथिया के अमित सचान और इरफान खान ने जाना। टूर्नामेंट अध्यक्ष शमशेर बाबू खान ने आगंतुकों का धन्यवाद दिया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से परवेज खान की खास। खिलाड़ी साथी आए हैं हमारे नसीम भाई, पप्पू भाई, पुरान जी, ये रईस भाई और ये अजीमुल्ला भाई पुराने खिलाड़ी हैं। सारे खिलाड़ी रमाकांत जी हैं यहाँ और पौथिया के भी लोग यहाँ हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ एक खिलाड़ी होने की हैसियत। यहाँ जो मैंने देखा आज पहली बार, जो मैं चाहता था वो मुझे देखने को मिला इस परछा ग्राम में। जिस तरीके से बच्चों से मैसेज दिया गया, छोटी छोटी बेटियों से, तो आज मैं इन बेटियों के माध्यम से इनके जरिए से चार लाइनें कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया इशारा करिए। जो इस गांव की बेटियां हैं, सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से करना चाहता हूँ। भाई बहुत देर हो गई आप लोगों को, कहीं बोर्ड में बेटियों के लिए चार लाइनें कहना चाहता हूँ कि अरे वतन अब तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, अरे वतन अब तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ये हर एक ख्वाब की ताबीर बदल डालेंगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगी तरक्की के रास्ते पर बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। बेटियों से उनके यहाँ आने से मुझे एहसास मिला है हसन भाई, उस एहसास का इजहार इन लफ्जों में करने की कोशिश कर रहा हूं और इन दुआओं के साथ कि बेटियां आगे बढ़ें और हमारे इस परछा जिला, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में रोशन करें और बेटे भी आगे बढ़ें। क्योंकि आज की जो नस्ल है वो सीधा सोचती है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधा सोचते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के लफड़े और झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते और खिलाड़ी भी कभी नहीं पढ़ना चाहता, ना कभी पढ़ा। और मैं कहना चाहता हूँ कि नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, मंदिरों मस्जिद के झगड़े से बाहर निकलना चाहती हैं, तोड़कर बंदिशें और भुलाकर भेदभाव, तोड़कर बंदिशें और भुलाकर भेदभाव, तरक्की की बुलंदी तक पहुंचना चाहती हैं।